हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है टैली ERP 9, जिसमें हम आपको कंपनी कैसे बनाते हैं ये आपको क्रिएट करके बताएंगे। तो टैली में कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास टैली का सेटअप होना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। आपके कंप्यूटर में यदि है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए आप यहाँ पर जाओगे विंडो में, अपनी स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पर आप टैली के नाम से फोल्डर सर्च करोगे, तो टैली के नाम से जो भी आपका यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, हमारे यहाँ पर टैली ERP 9, यहाँ पर आके आप इस पर क्लिक कर दोगे तो टैली आपकी ओपन हो जाएगी। या आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे आपका आइकन होगा तो आप यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो, या आप रन में भी जाके इसको आप सर्च कर सकते हो। जैसे आप टैली आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। और जो आज हम आपको ये टैली सिखा रहे हैं, टैली में या जो कंपनी क्रिएट करना सिखा रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिखा रहे हैं, किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं है। यदि आप बिजनेस पर्पज़ के लिए टैली सीखना चाह रहे हो या टैली करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपके पास एक एक्टिवेशन की होती है इस सॉफ्टवेयर की, जो कि आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। और यदि आप एजुकेशन पर्पज़ से सीख रहे हो तो आपको एजुकेशन मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम एजुकेशन मोड में चले जाते हैं, और यहाँ पर सिर्फ आपको सिखाने के लिए आप इसका यूज़ सिर्फ सीखने के लिए कर सकते हो। और यदि आपको बिजनेस के लिए आपको इसका यूज़ करना है तो आपको इसके लिए इसकी लाइसेंस की जो है वो परचेज करनी पड़ती है। चलो हम एजुकेशन मोड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस प्रकार की विंडो आएगी। कंपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी यानी जो आपकी आपने यदि कोई कंपनी बना रखी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगी। यदि आपने कोई कंपनी नहीं बनाई है, सॉरी, यदि आपने कंपनी कोई बना रखी है तो सेलेक्ट कंपनी में जाके आप उसको सेलेक्ट करोगे। लॉगिन एज रिमोट यूज़र, यदि आप रिमोट के द्वारा यानी आप जो है किसी और यूज़र के द्वारा यानी इंटरनेट के द्वारा इसको लॉगिन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। क्रिएट कंपनी, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है यानी कंपनी भी नहीं बनाना सीखा है, तो आपको क्रिएट कंपनी पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। बैकअप, यदि आप अपनी जो भी आपने कंपनी बना रखी है उसका बैकअप लेना चाहते हो तो बैकअप से ले सकते हो। रिस्टोर, यदि जो भी बैकअप आपने लिया हुआ है, कल को नए नए कंप्यूटर में आपको टैली इंस्टॉल करनी पड़ जाती है तो आप उस बैकअप से अपना पूरा डाटा रिकवर कर सकते हो। क्विट मतलब बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कंपनी को आपने माउस का यूज़ बहुत कम करना है तो आप अप डाउन एरो का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आएंगे क्रिएट कंपनी पे, सॉरी, हम आएंगे सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे, क्योंकि अब तक हमने कंपनी नहीं बनाई है, ठीक है। देखो कभी हो सकता है कि आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो ना ओपन हो, आपके सामने कुछ अजीब प्रकार की विंडो ओपन हो सकती है जो कि मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल हमने क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर दिया। जैसे आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेम दिया गया है, आप नेम कुछ भी डाल सकते हो। हमने डाल दिया राम कुमार, ठीक है, आगे जो भी आप बिजनेस का नाम डालना चाहते हो, लिमिटेड, ठीक है। मेलिंग एड्रेस यानी आपका एड्रेस क्या है, जैसे हांसी रोड, जो आप डालना चाहो वो डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद है कोई और एड्रेस डालना है, जैसे आपको यहाँ पर कंट्री, अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग जिस भी कंट्री में आपकी कंपनी जो वर्क कर रही है वो कंपनी आप सेलेक्ट करोगे, या जिस कंपनी जिस कंट्री के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी के जो एक्ट हैं वो आते हैं वो कंपनी आप यहाँ पर सेलेक्ट करो। फिलहाल के लिए इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, यदि आप स्टेट अदर सेलेक्ट करोगे तो आपका CGST और SGST काउंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपने हरियाणा जो भी है आपका आप अपना सेलेक्ट कर लोगे। पिन कोड आप डालोगे यहाँ पर, जो भी आपका पिन कोड है वो डाल दोगे। फ़ोन नंबर अगर आपने डालना है तो आप डाल सकते हो फ़ोन नंबर, जो भी आप डालना चाहते हो। मोबाइल नंबर डालना चाहते हो मोबाइल नंबर डाल सकते हो आप अपना। फैक्स नंबर समथिंग जो भी आपने डालना है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। ईमेल एड्रेस, जो भी आपने ईमेल एड्रेस देना है XYZ तो आप दे सकते हो, ठीक है। कोई वेबसाइट आपकी वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद आप एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग, यानी जो आपका बिजनेस है वो जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब स्टार्ट करता है। देखो अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग हिसाब से स्टार्ट करते हैं, कोई 1 जनवरी से करती है, कोई अपना 1 अप्रैल से करती है, तो यहाँ पर मोस्टली तो 1 अप्रैल से ही करते हैं। तो जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है या जब भी आपकी बुक्स जो है
यानी जो आपने एंट्री करना स्टार्ट करी है वो कब से की है? मान लेते हैं 1 अप्रैल 2019, या आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो 2018 19 20, जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। जैसे मैंने 18 कर दिया, 19 रहने देते हैं, ठीक है। और बुक बिगनिंग यानी जो ऊपर जो आपका फाइनेंशियल ईयर जब भी आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वही डेट सेम टू सेम आ जाती है और उसी से हमारा बिजनेस जो है स्टार्ट माना जाता है, उसी से हमारी जो बुक्स हैं वो स्टार्ट मानी जाती है। यदि आपको लगता है नहीं मेरी बुक्स जो है, मेरा बिजनेस जो है अलग तारीख से स्टार्ट हुआ था, फाइनेंशियल ईयर जो है मेरा अलग तारीख को स्टार्ट हुआ था, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर में कुछ नहीं हुआ, यदि आपने यूजर नेम पासवर्ड कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते, अदरवाइज ये एंटर करेंगे, आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पर करेंसी सिंबल आपने रुपीज़ का सिलेक्ट करना है और ये बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट रहेगा आपको, यदि आपने इंडिया सेलेक्ट किया तो यहाँ पर एंटर 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 कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एंटर एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपने क्या दिया था, यहाँ पर सिर्फ आप लोग आपने कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो डिटेल आपने डाली है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव आपने डिटेल नहीं डाली है। जैसे नेम डाला है आपने, ठीक है, मेलिंग नेम हो गया आपका, हाँ, कोई एड्रेस डाल दिया आपने, इंडिया सेलेक्ट किया, हरियाणा, पिन कोड दिया आपने, यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिया आपने यहाँ पर, और यहाँ पर आपने फाइनेंशियल ईयर को सेट किया था। उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद आपने एंटर 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 क्लिक करना है, ठीक है। तो एंटर या एक्सेप्ट करने के लिए कहेगा तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, उसको एंटर पे क्लिक कर लोगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपका जो इंटरफेस आपको सामने नजर आएगा। यहाँ पर राम कुमार लिमिटेड आ गया आपका। और हाँ, मैं आपको कह रहा था कई बार आप जब भी टैली ओपन करोगे तो कुछ अलग प्रकार की विंडो शो होगी, जैसे कि इस प्रकार की आपको विंडो शो हो रही है और आपको जैसे ये राम कुमार खुली हुई है लेकिन आपने पहले से ही बना रखी है किसी अदर नेम से, तो आप यहाँ पर देखो सेलेक्ट कंपनी के लिए F1 दबा सकते हो, मैं आप ओ, या आप यहाँ से Alt+F3 दबाओ, Alt+F3 मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, आप है ना, सॉरी, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक विंडो आपके सामने होगी, सिलेक्ट कंपनी यानी जो आपने कंपनी बनाई है वो सिलेक्ट करोगे, शट कंपनी कंपनी बंद करने के लिए, क्रिएट कंपनी यानी यहाँ पर आप नई कंपनी बनाओगे, अल्टर कंपनी यदि कंपनी में कोई चेंज कर दिया आपने वहाँ से आप उसको ठीक ठाक कर सकते हो, बाकी बैकअप वगैरह वगैरह वही है जो अभी लास्ट टाइम बताया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपने क्रिएट कंपनी बना ली है और या बना रखी है तो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर आओगे, तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया आपकी टैली के अंदर जितनी भी कंपनियों की लिस्ट होगी वह यहाँ पर सामने आ जाएगी और जो भी आपकी कंपनी होगी उसको आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट करके एंटर करोगे तो आपके सामने वो कंपनी खुल जाएगी। फिलहाल हमने एक ही एंट्री बनाई है इसके अंदर, और जब आप अपने कंप्यूटर पे बैठोगे इसमें यदि 2-3 एंट्री होंगी तो उस टाइम शायद आपको सिलेक्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। तो आपने कंपनी क्रिएट करनी है या कंपनी सिलेक्ट करनी है, आपकी कंपनी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में शो होनी चाहिए डार्क के अंदर, ठीक है। उसके बाद एस्केप करेंगे, पीछे जाने के लिए टैली के अंदर एस्केप की प्रेस की जाती है, ठीक है। तो अब हमने जो अभी आपको सिखाया ये कंपनी क्रिएटेशन सिखाया कि कंपनी कैसे बनाई जाती है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।